अनकेडमी लाया है अनकेडमी एक्सेलरेट, नो मोर ब्रेक्स इन योर प्रिपरेशन। पाइए 6 महीने का एक्सटेंशन अपने सब्सक्रिप्शन पे, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का या उससे ज़्यादा का, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम यूज़ करिएगा botnet10, तो आपको जो फाइनल प्राइसिंग होगी उस पर मिलेगा 10% का ऑफ। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर ऑफ बॉटनी गेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में आप देखेंगे जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफिटिक होता है। इससे पहले आपने जो है ब्रायोफाइट में पढ़ा था कि उसमें जो मेन प्लांट बॉडी होता था वो गैमेटोफिटिक होता था, मतलब मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता था और जो स्पोरोफाइट था वो उसी जो है गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक, लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में आप देखेंगे जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो डिप्लॉइड होता है, मतलब स्पोरोफाइट जो होता है ये इंडिपेंडेंट रहता है और वैसे ही गैमेटोफाइट जो होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। तो बोथ स्पोरोफिटिक और जो गैमेटोफिटिक फेज होता है टेरिडोफाइट्स में वो इंडिपेंडेंट होता है, ये आप याद रखिएगा। और आप टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में आपको फॉसिल्स भी पढ़ने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको ये जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हीडियन ग्रुप था, फिर आर्कियन, फिर प्रोटियोजोइक, फिर फेरोजोइक, ये सब इयॉन्स है। इयॉन्स में एराज होते हैं, फेरोजोइक में 3 एरा आपको मिलेंगे, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनियोजोइक, और हर एक एरा में उनके पीरियड्स होते हैं। लाइक पेलियोजोइक जो एरा था उसमें आपको कैम्ब्रियम, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, फिर कार्बोनिफोरस जिसको 2 में बांटा गया है, पेनिसिलवानियन और मिसिसिपियन, फिर परमियन। मीजोजोइक में भी 3 पीरियड ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक। सीनोजोइक में पेलियोजीन, नियोजीन और क्वार्टरनी, ये सब पीरियड्स है। इसमें इनको आगे चल के इपॉक्स में ही बांटा गया है सीनोजोइक का। सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारा है ये वाला एरिया है जहाँ पे आपको मेनली जो टेरिडोफाइट्स है और जिम्नोस्पर्म है इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे इवॉल्व हुए, कौन सा फॉसिल कहाँ पे मिला, किस पीरियड का था, इन सबसे आते हैं। तो ये वाला आप जो है याद रखिएगा। नीचे के जो है ये बहुत पुराने हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये नए हैं, रिसेंट के हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे तो हीडियन सबसे पुराना है, फिर आर्कियन आता है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे सिंगल सेल वाले इवॉल्व हुए, फिर प्रोटोजोइक आता है धीरे धीरे यहाँ पे, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और फिर सीनोजोइक एक्सेट्रा में जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो आके इवॉल्व हुए। सबसे पहला आज मैं जो मेंबर कवर करने जा रहा हूँ इसमें वो है आपका राइनिया। राइनिया आपको पता होगा ये एक फॉसिल प्लांट है और पेट्रीफाइड फॉर्म में ये मिला था। ठीक है, क्योंकि फॉसिल के कई सारे टाइप होते हैं, पेट्रीफिकेशन, कोल बॉल, ये सब सारी चीजें, तो ये पेट्रीफाइड फॉसिल था। और ये लोअर डेवोनियन, डेवोनियन मैंने आपसे बोला ना यहाँ पे ये पीरियड जो है डेवोनियन, पेलियोजोइक के डेवोनियन पीरियड में, वो भी लोअर डेवोनियन में ये मिला था। ठीक है, साथ में हम आपको थोड़ा सा हॉर्नियोफाइटॉन और एस्ट्रोजाइलॉन के बारे में इसमें बताऊंगा, ज्यादा नहीं है। राइनिया का जो है 2 नोन स्पीसीज है, राइनिया मेजर और राइनिया गुनवोगना, ये दोनों के दोनों फॉसिल थे। इसको डिस्कवर किया था किट्सन एंड लैंग ने 1917 में, कहां से, राइनी लोकेलिटी था एबरडीन शायर स्कॉटलैंड से, वहां से इसका डिस्कवरी हुआ था। तो ये भी ये टेरिडोफाइट है, तो मेन प्लांट बॉडी इसका स्पोरोफाइट था और इसका जो मेन प्लांट बॉडी था वो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक डाइकोटोमियोजली ब्रांच राइजोम में और लीफलेस शूट में। यहाँ पे रूट्स जो है अब्सेंट थे, उसकी जगह पे राइजोम पे ही राइजोइट्स लगे हुए रहते थे जिसे एडवेंटिशियस रूट्स आप बोल सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस तो था ही, एपिडर्मिस के पे आपको स्टोमेटा भी देखने को मिलते हैं, फिर अंदर कॉर्टेक्स मिलता, सेंट्रल सिलेंडर मिलता जो कि स्टीलर सिस्टम है के अंदर आप पढ़ते हैं, प्रोटोस्टील टाइप का था जहां पे जाइलम जो था वो सराउंड होता है फ्लोएम से। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल यहाँ पे आपको अब्सेंट मिलता। ठीक है, मतलब ये फॉसिल में मिलता है। रिप्रोडक्शन जो था राइनिया का अगर हम देखने तो जो एपिकल डाइकोटोमियोजली ब्रांच एरियल ब्रांचेस थे उनके टिप पे जो है स्पोरेंजिया बनता था, उस स्पोरेंजिया में स्पोर्स जो बनते थे वो होमोस्पोरस होते थे। क्योंकि होमोस्पोरी और हेटरोस्पोरी यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हेटरोस्पोरी है वो टेरिडोफाइट में ही इवॉल्व हुई थी। हेटरोस्पोरी का मतलब है जो स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स बनते थे पहले एक ही टाइप के बनते थे, सारे ग्रो करते थे
वो एक ही टाइप का प्रोथेरस बनाते थे, उस पे आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों के दोनों होते थे, पर धीरे धीरे हेट्रोस्पोरी इवॉल्व हुआ कि स्पोर दो टाइप के बनने लगे, एक तो मैक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जनरली जो प्रोथेरस बनाता था उस पे एंथ्रीडिया ग्रो होता था, मतलब बनता था, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो मैक्रोस्पोर्स रहते थे उस पे आपका आर्चिगोनिया बनता था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता था। ठीक है, अब ये जो प्रोथेरस है ये एक्चुअली गेमेटोफाइट है, जो आप देखते थे मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में, यही जो है गेमेटोफाइट ही होता था, लेकिन यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी मैंने आपसे बोला स्पोरोफाइट होता है। तो ये जो स्पोर्स थे उनका फिर जर्मिनेशन होता था, वो अपना या तो सिंगल गेमेटोफाइट बनाते थे, या तो अगर हेट्रोस्पोरी अगर यहाँ पे होता तो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट बनता था। पर राइनिया क्या था, एक होमोस्पोरस था, यही इसकी सारी कहानी है राइनिया की। ये एक फॉसिल है, किसने कब डिस्कवरी की, कहाँ से डिस्कवरी की, स्पोरोफाइट कैसा था, होमोस्पोरी है हेट्रोस्पोरी है, टाइप ऑफ स्टील, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब हॉर्नियोफाइटन और एस्ट्रोजेलन दो और फॉसिल आते हैं। हॉर्नियोफाइटन जो था वो राइनिया के जैसे ही था, लेकिन एक इसका खास फीचर ये है कि स्पोरेंजिया के अंदर इसके स्टेराइल कोलुमेला बनता था, जैसे स्टेराइल कोलुमेला आपने अभी ब्रायोफाइट्स में पढ़ा वैसे ही इसके स्पोरेंजिया में बनता था स्टेराइल कोलुमेला। एस्ट्रोजाइलॉन की अगर हम बात कर ले तो एस्ट्रोजाइलॉन में जो एरियल शूट होते थे वो आपको वहां पे लीज भी मिलते विद स्टोमेटा, राइजोइड्स लेकिन यहाँ पे अब्सेंट होता था। और स्टील की बात कर ले तो एरियल पार्ट्स में इसके एक्टिनो स्टील होता था, जो कि एक टाइप का प्रोटो स्टील ही है, और राइजोम के अंदर इसका हैप्लो स्टील होता था, ये भी एक टाइप का प्रोटो स्टील है, बोथ आर अ टाइप ऑफ प्रोटो स्टील। तो इस वीडियो में मैंने राइनिया कवर किया, हॉर्नियोफाइटन के बारे में बता दिया, और एस्ट्रोजाइलॉन के भी बारे में आपको बता दिया। करना क्या है आपको, जनरल फीचर्स आपको याद रखने हैं राइनिया के, और हॉर्नियोफाइटन एस्ट्रोजाइलॉन कैसे राइनिया से डिफरेंट है, या क्या उनके यूनिक फीचर हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ये पेट्रीफाइड फॉसिल है ये याद रखिएगा, लोअर डिवोनियन का, ठीक, ये सब सारी चीज़ें हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं टेडोफाइट का एक और मेंबर लेके आऊँगा, और ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड कराऊंगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एंजियोसाइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।